हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। के एल राहुल अब टीम के साथ नहीं है, लेकिन के एल राहुल की दुआएं जरूर टीम इंडिया के साथ हैं, उनकी विशेष जरूर टीम इंडिया के साथ हैं और टीम इंडिया सीरीज जीतेगी, जरूर विश्वास है के एल राहुल को। दरअसल के एल राहुल चोट की वजह से वापस भारत लौट रहे हैं और इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो फिर उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट करके भारतीय टीम को बधाई दी है आखिरी के दो मैचेस के लिए। क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। ट्वीट किया कि गटेड टू बी लीविंग द टीम बट विशिंग द बॉयज ऑल द लक फॉर द रिमेनिंग टू टेस्ट मैचेस। यानी कि टीम को छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सभी लड़कों को, सभी साथियों को मेरे आखिरी के दो मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट विश किया है के एल राहुल ने, और उम्मीद जताई है कि टीम इंडिया उनके बगैर इस सीरीज को जीत लेगी और उन्हें भी और बाकी पूरे भारत को एक बड़ा तोहफा देगी। तो के एल राहुल, जाहिर सी बात है भाई, खिलाड़ी थोड़ा सा दुखी तो होता है, वो भी थोड़ा सा दुखी हैं। अगर वहाँ पर होते तो जाहिर सी बात है वो खेल रहे होते, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी कि हनुमा विहारी के जगह पर हो सकता है के एल राहुल को मौका दिया जाए, और ऑन द कार्ड्स था, लगभग तय भी था कि के एल राहुल भी इस मैच को खेलेंगे। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, किस्मत के आगे कुछ नहीं कर सकते, चोट लग गई प्रैक्टिस करते हुए और उसके बाद वो वापस भारत लौट आए हैं। तो कैसी लगी ये खबर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।